सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनको परफॉर्मर कहा जाता है, उनको डिलीवरी देने वाले व्यक्ति नेता की तरह देखा जाता है। और खासतौर पर चाहे सत्ता हो चाहे संगठन, दोनों का ही विश्वास उनको हासिल है उनके काम और उनकी डिलीवरी की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2013 का राजस्थान का चुनाव हो, 14 का झारखंड का चुनाव हो, इसके अलावा 17 का उत्तर प्रदेश गुजरात का चुनाव हो, 23 का मध्य प्रदेश हो और 24 का उड़ीसा, हर एक जगह जो पासा पलटा है आपने। अच्छा सर, आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव जितवाने के बाद एक कहावत हो गई है, मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया और मोहन नाम के मुख्यमंत्री बने, उड़ीसा में चुनाव जितवाया और मोहन नाम के मुख्यमंत्री बने। तो अब जैसे ही आपको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, सभी मोहन नाम के नेता महाराष्ट्र में ढूंढने लग गए हैं, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि आप हैं तो सरकार तो बनेगी लेकिन मोहन कौन होगा। सर, महाराष्ट्र की चुनौती को कैसे देखते हैं? नहीं, महाराष्ट्र चुनाव में हमारी पार्टी एक गठबंधन के साथ जा रही है। ये सच है कि पिछली बार जो बहुमत मिला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन शिवसेना का जो प्री पोल अलायंस था उसको बहुमत मिला था, लेकिन कुछ घटनाक्रम में हमारे उस अलायंस में चोरी की गई। हम पूरी तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी के पहले शासनकाल में जो महाराष्ट्र में उपलब्धियां हमने हासिल करी थी और हमारे को एक धोखा देकर के जो सरकार बनी थी उसने जिस तरीके से महाराष्ट्र को वापस से विकास को रोकने का काम किया, मुझे लगता है इस बार महाराष्ट्र की जनता सोच समझ के मजबूत, स्थायी, प्रगतिशील और निर्णय देने वाली सरकार के हक में वोट करेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए वोट करेगी। सर, क्योंकि महाराष्ट्र का ही जिक्र हुआ है तो कुछ सवाल महाराष्ट्र पे ले लेते हैं। सर, महाराष्ट्र चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि जिस तरह के अभी के नतीजे आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रणनीति और फोर्स और ग्राउंड पे काम के लिए तैयार है। आप वहां पे सेनापति के रूप में जा रहे हैं। सर, सवाल यह है कि ये आप ही के पार्टी के अंदर महाराष्ट्र में ये चर्चा उठी है कि एनसीपी का साथ बहुत लकी नहीं रहा, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं एनसीपी के आने से भाजपा को नुकसान हुआ है, तो क्या एनसीपी के मामले में कोई रणनीति में बदलाव? देखो, रणनीति, सेनापति, ये सब भारी भरकम शब्द होते हैं जी। ये पंचलाइन होती है जी, वास्तविकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम है, जिला स्तर और नीचे तक संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है और हमारे महाराष्ट्र के नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिसके कारण उनको समर्थन मिलने वाला है। लकी अनलकी कुछ नहीं होता, राजनीति सेवा और साख पे चलती है। हमारी सेवा करने की क्षमता भी है, लोगों ने देखी भी है और हमारी साख भी सबसे अच्छी है, इस कारण से महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण देखने को मिले, जाति पर चुनाव भी हुआ और जाति पर वोटिंग भी हुई। महाराष्ट्र का एक मुद्दा है मराठा आरक्षण, जिसकी आवाज तेज हुई है। वहीं ओबीसी जो वहां के हैं उनको लगता है कहीं उनके उसमें सेंधमारी ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको वहां पर हैंडल करना होगा। इसके पीछे कोई रणनीति तैयार हुई है? कोई जाति आजकल में पैदा हुई है ऐसी चीज थोड़ी होती है जी। इस देश में सदा से रहा है और जाति एक हकीकत भी है, कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। चुनाव कोई एक कारण से हारा और जीता नहीं जाता है जी। बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण जाति भी होता है। उसका एक पक्ष भी है कि सामाजिक रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। तो जब भी आप चुनाव की कोई तैयारी करते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो सब चीजों को साथ लेकर के जाते हैं। कोई एक चीज से, इस चीज से ये पूरा हो गया, इस चीज से पूरा नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है जी।
तो एक पक्ष होता है, उस पर विचार किया जाएगा सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसको आना है वो आ सकते हैं, विचारधारा की बात भी होती है। सवाल ये है कि आप अब महाराष्ट्र के दौरे शुरू करेंगे, तो अगर आपके पुराने साथी उद्धव जी वापस आना चाहें तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं? वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे जी, या अलायंस करना चाहे, शिवसेना वापस से आपके साथ अलायंस में आना चाहे उद्धव जी वाली? प्रेजम्पशन के बेस पे इंटरव्यू क्या दे सकते हैं? हमारा गठबंधन स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हम तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, क्योंकि अब हम सरकार और संसद में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब अपने संसद दल की बैठक ली और उससे पहले भी लगातार ये कहा कि आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, राजनीति में हार जीत चलती है, लेकिन हमारा लक्ष्य फाइनल होना चाहिए। तो मोदी 3.0 में इस तीसरी सरकार में ये समझना चाहेंगे कि सारे मंत्री ज्यादातर चेहरा स्वरूप सेम है, यहां तक कि स्पीकर भी सेम है, तो ऐसे में लक्ष्य वही का वही है जो पहले था, जो 2047 तक का लक्ष्य था या बड़े फैसलों का लक्ष्य था, उसी मजबूती के साथ कैसे देखते हैं? अभी 2047 नहीं आया तो 2047 के लिए लेके तो हम चुनाव लड़े ही थे जी। चुनाव ही विकसित भारत के लक्ष्य को लेके लड़ा था, तो लक्ष्य तो निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाना है। मोदी 2.0 में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ये कहकर के हम चुनाव में आए थे। देश में करोड़ों की संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला गया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर गरीबी रेखा को समाप्त करेंगे, और ग्रामीण और शहरी भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत, उस उत्तरी और दक्षिणी भारत, तो पूरे भारत में एक ऐसा विकास करेंगे जो अपनी विरासत पर गर्व करता हुआ दुनिया का नेतृत्व कर सके, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपसे एक रणनीति समझना चाहते हैं यहाँ पे कि सब कुछ लगभग वैसा का वैसा ही, 80% कैबिनेट के चेहरे, मंत्रियों के चेहरे, ये क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नएपन में या नए लोगों को मौका देने पर विश्वास रखती है। निरंतरता और स्थायित्व होना ही चाहिए, लेकिन नए लोगों को भी बहुत मौका दिया। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नए लोग नहीं है, इस मंत्रिमंडल में सबसे यंगेस्ट उम्र के भी लोग हैं, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और सभी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, और मंत्रिमंडल का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, और मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया विकसित भारत का, उसको लेकर पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 वाले कार्यकाल में भूपेंद्र यादव जी के मंत्रालय, अगर आपके मंत्रालय का जिक्र करें जो आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे दुनिया भर के विश्व, क्योंकि हम G20 पे भी जिक्र करेंगे, तो आपका योगदान क्या रहने वाला है और इस 100 दिन के जो विजन पे आपका योगदान क्या होगा आपके मंत्रालय? देखिए, दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ा विषय जलवायु परिवर्तन का है, और जलवायु परिवर्तन में जब ग्लासगो की कॉप हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, जिसको हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसका एक मंत्र दिया था। बाद में पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री गुटेरेस के एकता नगर जो केवड़िया है वहां पर आए, और इस मिशन को पूरी तरीके से प्रॉपरली लॉन्च किया गया। उसके बाद इस बार जब 4 जून को परिणाम आए तो 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, ये एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिया है। तो मुझे लगता है इन 100 दिनों में मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम जैसे बड़े विषय हैं, लेकिन भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक दृष्टि से बहुत सारे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का भी नेतृत्व कर रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम इन 100 दिनों में भी करेंगे और उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। सर, जब G20 की बैठक हुई जिसका काफी इन्फ्लुएंस रहा पूरी दुनिया में और भारत में जिस तरीके से हुई, उसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज, और वो भी भारत ने बहुत प्रमुखता से उस बात को रखा, अब ब्राजील में होगी अगली बैठक, तो उस लिहाज से क्लाइमेट चेंज का जिक्र हुआ, एनवायरमेंट की बात हुई, तो भारत अब अगला उसको आगे किस स्टेप पर ले जाएगा, क्योंकि उसमें आपका भी रोल होगा G20 पूरी दुनिया को। देखो, G20 में हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की करा था,
दुनिया के बायोलॉजिकल रिसोर्सेस के लिए गांधीनगर रोड मैप हमने तैयार किया था और उसके बाद एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस जिसको हम कहते हैं वो बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे बड़ी बात है बिग कैट अलायंस। ये ऐसे भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर लेने जाने वाले क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और दुनिया में बहुपक्षीय स्तरों पर जो वार्ताएं चलती हैं उसमें अपने निर्धारित लक्ष्यों को भारत प्राप्त भी करना चाहता है और क्लीन और ग्रीन अर्थ के लिए हम लोग काम करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे जैसे हम साल के एंड वाले महीनों में आते हैं तो वही सब शुरू हो जाता है और जिसपे राजनीति होती है, वही दिल्ली में प्रदूषण होता है, वही पराली की बात होती है, वही अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब पर बात करते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार है तो हरियाणा पे बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं होता, फिर वही मास्क होगा, फिर वही ऑड इवन होगा, तो ऐसे में स्थिति को सरकार, केंद्र सरकार किस हिसाब से कंट्रोल करेगी क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया में इस तरह की स्थिति है। देखिए, पराली में पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा डाउन आए हैं जी। इवन जो GRAP 4 भी लगता था उसकी भी दिनों की संख्या में कमी आई है। पराली के वैकल्पिक उपयोग है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, पराली के कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन पे भी हम काम कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन को लेकर के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम भी चल रहा है और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, धूल के मैनेजमेंट का विषय है, अभी पेड़ लगाने का विषय है और पराली के मैनेजमेंट का विषय है, व्हीकल पोल्यूशन का विषय है, उन सब विषयों पर लगातार काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद जो सर्दी में जो एक हवा का जो अपना एक स्पीड होती है उसमें कमी आती है, लेकिन फिर भी जैसे दिल्ली में हम BS4 को BR6 पे लेके आए, हमने दिल्ली के चारों तरफ से बड़े बाईपास खोले, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को वहां से निकालने की व्यवस्था करी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने अनेक कार्यक्रम चलाए और फिर अंतर्राज्य कोऑर्डिनेशन भी करने का काम किया है। इसके लिए एक कमीशन की भी स्थापना की गई और लगभग अब अगले महीने से हम लोग ये ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन हो इसको लेकर के काम करेंगे, पर वहीं वहीं नहीं रहेंगे, कुछ वहीं तो अंदर है। बिल्कुल सर। सर, कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया, सवाल ये है कि संसद में पक्ष और विपक्ष और उसके बीच का ब्रिज फिलहाल नजर नहीं आया और राहुल गांधी कांग्रेस या यूं कहें कि पूरा विपक्ष इस बार आंकड़ों के चलते बहुत कॉन्फिडेंट है और कह रहा है कि हमने बीजेपी को इतना बैकफुट पे किया कि नरेंद्र मोदी जी हों, देश के गृहमंत्री हों, इनफैक्ट आप भी उठे और आपने नियमों का जिक्र किया उसमें, ऐसे में विपक्ष संतुष्ट है कि हमने पहले सत्र में बैकफुट पे कर दिया। क्या बैकफुट पे कर दिया? हमने हर मुद्दे को, मणिपुर से लेकर सारे मुद्दे उठाए जिसका जवाब सरकार नहीं दे पाई, या हमने मतलब सारे इश्यूज 5 साल। आप मेरे से बात कर रही हैं और आप पीठ दिखा करके बात करने लगे तो मैं बैकफुट पे हो जाऊंगा? एक प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो जिम्मेदारी से विषय रखने चाहिए वो तो कोई नहीं रखे। और क्या ये शोभा देता है कि सदन चल रहा और आप कुछ खा रहे हो? क्या ये शोभा देता है कि सदन चल रहा और आप नारे लगाने के लिए वेल में भेज रहे हो? अगर हिम्मत होती तो तर्क सुनते, हिम्मत होती तो जवाब सुनते। कौन सा विषय लेकर के आए हैं आप? मुझे राहुल गांधी के भाषण के 5 मुद्दे बताइए जो विजन, आप 5 मुद्दे बताइए जो विजन 2047 का भारत बताते हो। चलो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, पर जी बताओ ना सर। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा वो तो छोड़ दो जी। उन्होंने कहा मुझे समझाओ ना कौन से 5 मुद्दे हैं जो विकसित भारत बताते हो। पर वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आपके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। नहीं, आरोप लगा रहे हो बात छोड़ो, आप वो 5 मुद्दे बताइए जो राहुल गांधी ने विजन 2047 के भारत के कहे हो। वो 5 मुद्दे बताइए राहुल गांधी के जो भारत में सामाजिक एकता की बात करते हो, और वो 5 मुद्दे बताइए जो चुनाव में उन्होंने कहे हो और वहां पर उन्होंने खड़े उतारे हो। तो शिवजी की तस्वीर दिखाना, वो सामाजिक एकता की बात करते हैं कि डरो मत, डराओ मत। क्या शिवजी की तस्वीर में विपक्षी मानती है कि हम शिवजी की इन सारे उदाहरण से सामाजिक एकता की बात करते हैं, बीजेपी नहीं करती? तो सामाजिक एकता के लिए वेल में कूद जाते हैं, सामाजिक एकता के लिए चने खाने लग जाते हैं।
सामाजिक एकता के लिए नारे लगाने लग जाते हैं, सामाजिक एकता के लिए सारी संसदीय मर्यादाएं तोड़ देते हैं। ये विभाजनकारी नीतियों से देश चलने वाला नहीं है जी। ये देश पूरे तरीके से दृढ़ता के साथ आगे चलने वाला है। और सामाजिक एकता हमारे सरकार और बहुमत हमें है। तो जब पूरा राहुल गांधी का भाषण सुना गया, जब पूरी सदन में चर्चा हुई, तो उसके बाद क्या दिक्कत थी उनको बताया जाए? पर सर उनका और फिर भी आरोप है, माइक बंद कर देते हैं, मुझे तस्वीर में नहीं दिखा। माइक बंद करते तो 50 मिनट भाषण होता। किसी का माइक बंद हो वो तो आधा घंटा 50 मिनट भाषण करेगा जी। बताइए परसेप्शन सेट। क्या आप राहुल गांधी का वेल में जाकर के प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो अशोभनीय व्यवहार है जी, जिसको बालक बुद्धि का व्यवहार कहते हैं, क्या आप इस देश में इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जब आप नहीं करते तो देश का कर रहा है। लेकिन अब वो ये पूछते हैं कि पिछले 5 साल जब हमें निष्कासित किया तब आपने समर्थन किया या नहीं किया? तो जब कोई आदमी गलत करेगा तभी तो निष्कासन होगा जी। इससे पहले क्या सदन में निष्कासन नहीं हुए? पर सर ये जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बिल या बड़े फैसले इस हो हंगामा में दब जाएं? ये तो बालक बुद्धि है। वो बालक कहता है मैं चांद को तोड़ लाऊंगा तो तोड़ लाता है। बता ये क्या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस होते तो सामने खड़े होकर बहस करते ना। कॉन्फिडेंस होता तो सुनने की हिम्मत होती ना जी। क्या कॉन्फिडेंस है? एक मैं इसमें चीज समझ रहा हूं। मतलब एक आप एक बालक बुद्धि को आप मेरे पे क्यों थोप रहे हो जब आप खुद ही गलत मान रही हो तो? बिल्कुल सर, बतौर पत्रकार वो गलत है, संसद ना चलने देना गलत बात है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सवाल भी करते हैं। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ ये उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या करने लग जाएंगे जी? गाली देने लग जाएंगे जी। यही तो बालक बुद्धि होती है। बिल्कुल। मैच्योर आदमी बहस करता है, मैच्योर आदमी डिबेट करता है। अटल जी की डिबेट पढ़िए, हमारे तो विरोध में थे कम्युनिस्ट के लोग, उनकी डिबेट पढ़िए। क्या डिबेट पढ़ी जाएगी आप बताइए? तो भारत की संसदीय परंपरा को ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क से, संवाद से, विमर्श से इस संसदीय परंपरा को चलाया गया है। इस संसदीय परंपरा को ऐसे नहीं चलाया जैसे बालक बुद्धि की तरह चला रहे हैं जी। यहां पर तर्क रखे जाते, यहां पे सरकार के बारे में बताया जाते, ये बताते कि इतने यूनिकॉर्न नहीं बने, ये बताते इतने एयरपोर्ट नहीं बने, ये बताते इतने हाईवे नहीं बने, ये बताते इतने मेडिकल कॉलेज नहीं खुले, ये बताते इतने IIT नहीं खुले। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तो 10 साल के भारत की तस्वीर को सबके सामने रखा था। बिल्कुल। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो जब तर्क की बात ना करना हो तो कोई सी भी बात कर लो, धर्म प्रवचन कुछ भी दे दो, हाथरस में बाबा दे देते हो तो कोई कौन रोक रहा है? पर भाई आप विपक्ष के नेता थे, हमने 10 साल का लेखा जोखा रखा, आप बताते, आप तर्क करते, आप बताते कैसे गलत है? तो आपने तो मुद्दों की बात नहीं करी। और जब बात सुनने की आई तो आपने वेल में लोगों को भेज दिया और खुद कुछ खाने लग गए, टीवी पे आ रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि सदन की पहली परंपरा होती है कि सभापति की ओर पीठ करके खड़े नहीं होते। बिल्कुल। तो नियम दिखाना गलत था, बुरा सही था? सही। बिल्कुल। सदन की दूसरी परंपरा होती है कि सदन में बैठ के कुछ खाया चबाया नहीं जाता। Absolutely. है या गलत है? बिल्कुल। सदन की तीसरी परंपरा है कि जब भी कोई बड़े नेता बोल रहे होते हैं तो वेल में नहीं जाया जाता है, नारे नहीं लगाए जाते हैं। ये है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कौन सी बात को माना? सर इनफैक्ट सदन में एक और परंपरा है कि जब सदन के लीडर को आप नाम से नहीं बुलाते, आप माननीय प्रधानमंत्री जी कह के कहेंगे, लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी करके संबोधन हुआ। आप बहुत ज्यादा समझदार है राहुल गांधी से। आप इतना जानती है ये मुझे अच्छा लगा सर। लेकिन उनको समझाओ आप। सर आपसे सवाल ये है कि एक और अडवाणी जी भी कहा करते थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर हैं उनको विपक्ष की तरफ बैठना चाहिए, उनको विपक्ष जैसा या उनके दोस्त बन के रहना चाहिए, जिससे कि विपक्ष को ये लगे कि हमारी कोई बात है तो वो सरकार तक पहुंच सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संसदीय कार्य मंत्री के उस कार्य या उस तरीके में, उस योजना में कुछ कमी है? विपक्ष अगर अपनी कोई बात रखना चाहे, अगर उस दिन बॉन्ड स्ट्रांग होता तो शायद प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान उनको कहा जा सकता था कि आप चुप रहिए, सुनिए, आपको मौका दिया जाएगा, या स्पीकर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ब्रिज में कमी हो?
ऐसा आपको लगा? अब मैं आपको समझा दूं, जब हाउस चलता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर पार्टी को समय अलॉट किया जाता है जी, तो इनकी पार्टी को भी समय अलॉट किया जी, तो पार्टी के सांसदों को समय कौन देगा? पार्टी का चीफ व्हिप देगा। दो मणिपुर के सांसद थे, इन्होंने अपने साथ एक को टाइम दिया, उतना टाइम स्पीकर ने बुलवा दिया। अब टाइम के अतिरिक्त टाइम हो तो ये तो इसमें वो भी क्या करेगा? स्पीकर भी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, राइट? तो आप समझाओ, कभी कोशिश करो। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि अब जब दोबारा सत्र शुरू हो, बजट जैसे महत्वपूर्ण, तो बेहतर तरीके से चले, जैसे हम भी अपना काम कर पाए। आपको ऐसा उम्मीद भी करिए, ऊपर वाले से प्रार्थना भी करिए कि शिव जी प्रदर्शन की वस्तु ना हो, जीवन में धारण करने की वस्तु हो जी। अहिंसा का अर्थ केवल भाषण नहीं होता है, अहिंसा का अर्थ होता है कि दूसरे के द्वारा दिए गए विषय को धैर्य के साथ सुनना। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। मानसिक हिंसा वही नहीं करते जिनकी स्थिर बुद्धि होती है। स्थिर बुद्धि मिले ऐसी प्रार्थना करो। बिल्कुल सर। सर एक लेकिन आपसे पूछे, जैसे कई बार एक खटाई आ जाती है खाने में, हम भोजन करते हैं, बहुत अच्छा भोजन हो, तो बार बार चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो अपने बीच में अयोध्या के सांसद को बिठाते हैं, कोई भी मुद्दा होता है उनको खड़ा करवा देते हैं या उनका जिक्र करते हैं, तो अयोध्या की हार कोई खटाई की तरह काम कर रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को बैठाओ किसी को खड़ा करो जी, पर संसद को चलने दो। बिल्कुल सर। सर अब क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो एक बार आपके इलाके का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, और आज तो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है तो उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके इलाके में अलवर में पहली बार ऐसा हुआ और आपने एक अलग रणनीति में खुद जीते। आपके सामने एक यादव उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा मैं 36 कौम का नेता हूं, और ये शायद पहली बार हुआ कि यादव कांग्रेस के नेता उतरने के बावजूद भी भाजपा जीती है, इसके पीछे की रणनीति समझेंगे। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, और अलवर की जनता ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया है, मैं अलवर की जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मैं अलवर के सारे 20 लाख मतदाताओं का सांसद हूं और मैं सबके विकास के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि आपके मंत्रालय से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर बात करें तो सरिस्का आपके लोकसभा में आता है, वहां पर बाघों की संख्या भी कम है, 43 के आसपास, उस सब के कार्य में किस तरीके से आपके मंत्रालय का योगदान होगा और उसका विजन क्या है सर? देखिए, मैंने अलवर में पहले ही कहा है कि मैं पहले दिन से अलवर में विकास के लिए काम करूंगा, और उसके बाद मैंने अलवर में समीक्षा बैठक करी, सबसे पहले पानी के लिए बैठक करी जी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने भी जा रहा हूँ। दूसरा, जो भिवाड़ी के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ा पानी आता था उसके एसटीपी के लिए बात करी, उसके लिए भी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, सरिस्का में जो एलिवेटेड रोड है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अलवर में विकास के किसी भी विषय को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, विकास के सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे जयपुर जाना पड़े चाहे सब जगह करना पड़े हम पूरा कोऑर्डिनेशन। आपने भिवाड़ी का भी जिक्र किया, वो पूरा इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है, इंडस्ट्रीज हैं और सेटअप हो रही हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, वेस्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, एसटीपी के लिए भी काम कर रहे हैं, और इन सब विषयों को हम पूरा करेंगे, अलवर की जनता को विकास के साथ जोड़ने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। सर आपके एक बहुत सीनियर नेता भी हैं, आपके करीबी मित्र भी हैं, और प्रधानमंत्री जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं, आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, किरोड़ी लाल मीणा जी ने, उन्होंने ये कहा कि दौसा मैं नहीं जिता पाया, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया। 10 दिन पहले इस्तीफा दिया 20 जून को मुख्यमंत्री जी को, कल उन्होंने फोन पे बात की बीएल संतोष साहब से, 5 बजे का टाइम था, नहीं मिल पाए। इस्तीफे के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया, उसने 3 मुद्दे उठाए, पहला कि इतने बड़े मंत्री भी असंतुष्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार है, और इस सरकार में मुख्यमंत्री अब इस्तीफा दे दे सरकार भंग हो जाए। इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, बजट सत्र है ऐसे में हंगामा वहां पर भी होगा। उचित स्तर पर बात की जा रही है, सभी समस्याओं का समाधान निकलता है, कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता है, तो समाधान कर देंगे सर। लेकिन नाराज तो वो बहुत दिन से चल रहे थे, कोई नाराजगी का वजह आप क्या समझते हैं? बड़े सीनियर आदमी, समस्याओं का सबका समाधान करेंगे।
सर आपने बखूबी इसको घुमा दिया, लेकिन आज जनता ये जानना चाहती खासतौर पर राजस्थान की कि ऐसा क्या हुआ कि किरोड़ी जी ने इस्तीफा दिया, 10 दिन तक चुप्पी रही और अब किरोड़ी जी का तरीका अलग है। वरिष्ठ लोग बात कर रहे हैं, समय आने पे समाधान हो जाएगा। सर आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार जिस डंके की चोट पे चलनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, साथ में 11 सीटों का नुकसान हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि राजस्थान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सरकार डंके की चोट पे चल रही है, पेपर लीक करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं जी, SOG की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ERCP और यमुना जल जैसे समझौते हुए, सरकार उसके ऊपर भी बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर को लेकर के नए MOU है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है, और भजनलाल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में मजबूत सरकार के साथ एक राजस्थान की सेवा करने वाली सरकार लेकर के चल रहे हैं, और कांग्रेस के करे हुए गड्ढे को भर के राजस्थान को विकास के मार्ग। और सर ये आरोप कि ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार तो ब्यूरोक्रेसी तो सरकार चलाती है जी, लेकिन सरकार अंडर ए एबल लीडरशिप विथ पॉलिटिकल विजन विथ पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ है। हम जो कह रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर उम्मीद करें कि अगले 15 से 20 दिन या महीने भर में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जाएगा, क्योंकि शायद समय पूरा हो गया और तमाम बदलाव। देखिए हमें क्या करना है, हमें कैसे सरकार चलानी है, ये बात हम पे रहने दीजिए। जब ये विषय हमारे क्षेत्राधिकार का है जी, तो हमारे क्षेत्राधिकार के विषय तो हमें रहने दीजिए। सर एक और सवाल आखिरी, वो महाराष्ट्र से, कि क्या इस बार चेहरे के साथ आप महाराष्ट्र में उतरेंगे या फिर सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप चेहरा अनाउंस करेंगे? जो हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो हम काम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि तमाम सवालों के बीच में कई ऐसे जवाब थे जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से वो साइड से आपने मुझे घुमा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों का जवाब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मंत्री।